सीसीएल से लेकर हर जगह कर रहे हैं, आप कोई महिला सांसद नहीं पहुंची अभी तक वहां। हाँ ये तो आप नहीं बनेगी। देखिए अगर जनता की सेवा करने का मौका मिला तो जरूर बिल्कुल मन क्यों है? नहीं, मन तो बहुत है। हाँ। कि अगर हाँ अगर मुझे कोई ऐसा पद मिला या वहाँ पे कोई कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि जिसमें मैं अपनी ऑडियंस जनता की सेवा कर पाऊंगी तो डेफिनेटली मैं संसद जाना चाहूंगी। सुन रहे हैं आप लोग, अपनी भोजपुर इंडस्ट्री के एक महिला सांसद भी संसद भवन में पहुंचना चाहिए। एक ही क्यों, बहुत सारे पहुंचे, बहुत सारी ये लोग पहुंचेगी तो पीछे पीछे हम लोग भी आ ही जाए। और एक बड़ा अहम सवाल है कि हर लड़की हर लड़का अपना एक सपनों का राजकुमार, अपने एक सपनों की राजकुमारी तो अपने कैनवास पे बना के रखता है। सुमी शर्मा का सपनों का राजकुमार कैसा होगा? कैनवास तो धुंधला धुंधला हो गया सोच के। ऐसा बंदा लाइफ में मिलेगा तो मैं शादी करूंगी, वरना मुझे शादी नहीं करनी। ओह माय गॉड, वरना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं भाई। सुमी शर्मा पैसों के पीछे नहीं भागती, नहीं उसे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए कि प्यार करे ना करे, करोड़पति हो अरबपति हो, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल पता चले वो अपने बिजी है, मैं अपने यहाँ पे। हाँ। तो क्या मतलब, तो आप क्यों, और जो इंसान आपको मारता है वो इंसान आपसे प्यार करता है? नहीं, नेवर एवर। तो विश्वास ही मत करो भाई, ऐसे इंसान के साथ रहो ही मत। अच्छा वो हीरो जब सामने पड़ते हैं तब तब बड़ा प्यार से बात करते हैं, अरे नमस्ते नमस्ते कैसे, लगता है नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। बट जब फाइनली मेरे पास प्रोड्यूसर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे जब ये बात बोली कि मेरा स्टाफ भी जा चुका था, जब उन्होंने बोला कि मैम ऐसी ऐसी बात है, वो सामने से हीरो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हमने उनको नहीं लिया तो वो सेट पे ही नहीं आएंगे। अब हमने उनको नहीं लिया, वो सेट पे नहीं आएंगे, जब इतनी बड़ी बात है। तो मैंने आगे से बोला, मैंने कहा सर छोड़िए, आप जिनको वो बोल रहे हैं आप उन्हीं को हीरोइन लो, क्योंकि आप, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से जो 100 लोग आपकी टीम का है उनका नुकसान हो, क्योंकि मैं तो फिर भी अकेली हूँ, कोई बात नहीं मैं झेल जाऊंगी, बट आप लोगों के साथ जो इतनी बड़ा क्रू है और आपका खुद का नुकसान होगा वो अच्छी बात नहीं है, तो आप छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं ही छोड़ देती हूँ आगे से मूवी। वो जिनको बोलते हैं आप उनको लो, बट आप अपनी पिक्चर की शूटिंग रोकिए मत, आप शूटिंग कीजिए।